आपके इतने सारे फैंस हैं, लेकिन एक बहुत ही खास फैन है, इनफैक्ट बहुत ही खास फैन है, और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है. मैं प्ले कर सकता हूँ? हाँ जी, आइए देखते हैं. नमस्कार, हेमा जी के बारे में मैं जो भी कुछ कहूँगी वो कम ही होगा. वो मेरे लिए एक बहन के स्थान में है, और हम बचपन में जब दिल्ली में रहते थे, वो और मेरी दीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और डांस सीखने जाते थे और मैं भी पीछे पीछे जाती थी. लेकिन मेरा तो शौक म्यूजिक में था. फिर वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई. पर फिर भी वो अपने बचपन के दोस्तों को उन्होंने भूला नहीं. और मैं जब बम्बई गई, उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती जी इतना मुझे हेल्प किया, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारलाल के पास लेके गए, और मेरी करियर की शुरुआत वहीं से हुई. हेमा जी जो भी जिंदगी में उन्होंने जो भी रोल निभाया है, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी और इतनी ऑनेस्टी से निभाया उन्होंने. एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल, और हमारे जैसे लोगों के साथ एक दोस्ती का रोल, एक बहन का रोल. ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा उनको खुश रखें, उनको लंबी उम्र दें, और वो ऐसे ही ग्रेस और डिग्निटी के साथ सारी जिंदगी भर रहे. So sweet, Kavita ji. Thanks so much for speaking so wonderful about me. इनके साथ मेरा संबंध बचपन से है. She was just 2 years old. इनकी बहन और मैं, हम दोनों दो फ्रेंड्स थे, तो कहीं पे भी जाएंगे तो पीछे पीछे आती थी. देन बाद में जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गई, तो इन देन इट वॉज माई मदर. She heard कि इतना अच्छा कविता गाती हैं, तो इनको फिल्मों में ज़रूर गाना चाहिए करके मम्मी मेरी लक्ष्मीकांत जी के पास ले जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया. और मेरी एक पिक्चर बनी थी शरारा. शरारा में कविता जी से गवाया था एक गाना, बहुत सुंदर गाया उन्होंने. सो आई फेल्ट सो नाइस कि वो आज कितना अच्छा गाया. उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में, और मैं जो भी नृत्य नाटिका करती हूँ, डांस बैले, उसमें सब कविता हैज टू सिंग. शी हैज टू सिंग, एंड शी सिंग्स सो ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार ताली. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.